हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समरीन और मैं हूँ सहूरा। तो आज हम दोनों देने वाले हैं आप लोगों के सवालों के जवाब। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राजेश ककवानी का। मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो सॉरी, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कैसे प्रोनाउंस करना है नेम। और तो इनका क्वेश्चन है व्हाट्स योर एज। मेरी एज है 13 और मैं 14 अगस्त को हो जाऊंगी 14 की। और तहूरा तुम्हारी एज क्या है बताओ? मैं 8 इयर्स की हूँ। व्हेन इज योर बर्थडे? अभी मैंने आपको बताया 14 अगस्त बर्थडे मेरा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बर्थडे के लिए, बहुत ज़्यादा। और अब तो बहुत ही कम दिन है, मतलब आने वाला है। हु इज तहूरा, योर ओन सिस्टर और कज़न? सबको बता बता दे, थक गई हूँ। अभी जो हमने पोस्ट डाली थी ये Q&A के लिए, तो सब लोगों ने इतना ज़्यादा पूछा है कि तहूरा कौन है, तहूरा कौन है, कज़न है, ओन सिस्टर है, तहूरा कौन है। 200 से ज़्यादा थे इस बारे में क्वेश्चंस। तो हमने सोच लिया कि हम बताएंगे आपको कि तहूरा कौन है। वैसे आप लोगों को कुछ लोगों को तो पता होगा कि तहूरा कौन है। तो तहूरा तुम ही बताओ कौन हो तुम मेरी? हम दोनों कज़न हैं, पर हम दोनों रियल सिस्टर के लिए पेश कर। तहूरा मेरी कज़न है और हम दोनों बिल्कुल रियल सिस्टर जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों सब कुछ साथ साथ करते हैं। हम लोग वीडियो भी शूट करते हैं और फिर खेलते भी हैं और फिर लड़ते भी हैं बहुत बार। लेकिन वैसा भी नहीं लड़ते, हमारी लड़ाई तो बस 5 मिनट की होती है, उसके बाद तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हम दोनों बिल्कुल रियल सिस्टर्स की तरह है, जैसे रियल सिस्टर्स करती है ना। के लिए लड़ाई नहीं होती, बस 5 मिनट। ओफो, इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो हम कम टाइम ही ना बताइए आप। तो अब आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता था कि तहूरा कौन है, तो उन्हें तो अब पता चल गया होगा कि तहूरा है मेरी कजन, लेकिन बिल्कुल है रियल सिस्टर जैसी। हाँ, अब पता चल गया ना आप लोगों को, अब बिल्कुल मत पूछना प्लीज प्लीज। सबको बताया मैंने, मेरा भी पहले आपने एक वीडियो में ऐसे करके रख रखा था ना। किसको? When were you born? I was born on 14 August 2004. Please answer my questions. तो मैंने आपके answers दे दिए हैं। और अब next question है The King का। आप एक यूट्यूबर हो, आपको फैमिली पेरेंट्स ने अलाउ कर तो बींग अ यूट्यूबर, पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया? हाँ, मैं तो यूट्यूबर हूँ और मेरी पूरी फैमिली ने स्टार्टिंग से ही, मतलब फैमिली पेरेंट्स जितने भी हैं सब ने बहुत सपोर्ट किया है और शुरू से ही सपोर्ट किया। जब से मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की तब से ही है, मतलब अलाउ कर रखा है कि हाँ सही है, सबको अच्छा लगता है। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। जब वो हमारी वीडियो देखते हैं बहुत खुश होते हैं, उनको मज़ा आता है हमारी वीडियो देखने में। बिहाइंड द सीन देखूं भी तो मुझे भी मज़ा आता है, आप लोगों को मज़ा आता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी बिहाइंड द सीन डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह वन का, हैव योर मदर गेव यू परमिशन टू मेक वीडियोज़? मेरी मम्मी तो खुद ही यूट्यूबर है और जब मैं वीडियोस शूट करती थी, जब मैं अपलोड करती थी, तो उस टाइम तो उनका चैनल नहीं था, लेकिन वो मुझसे इंस्पायर हुई और फिर उन्होंने भी अपना चैनल बना लिया, तो परमिशन तो है। आप लोगों ने अगर उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। उनके चैनल का नाम है कुक विद नगीना, उनका कुकिंग का चैनल है और वो बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाती हैं। अगर आप लोगों को भी वो डिशेज़ देखनी है तो आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके चैनल का नाम है कुक विद नगीना। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके चैनल पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयशा लखानी का, इन्होंने लिखा है व्हाट्स इट फुल नेम? माय नेम इज समरीन अली। माय नेम इज तहूरा। वन थिंग आई वांट टू से, ईस्ट और वेस्ट समरीन इज बेस्ट। थैंक यू। और मैं भी आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, ईस्ट और वेस्ट आवर सब्सक्राइबर्स आर बेस्ट। हम फैन ऑफ करके वीडियो शूट करते हैं और वीडियो शूट करने टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल पसीने से पागल हो जाते हैं। तो अभी तहूरा भी बिल्कुल वो हो गई थी, तो उसने बन बना लिया है क्योंकि उसके बाल अभी खुले हुए थे। इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे पोनीटेल में वीडियो बनाती हूँ, अगर मैं बाल खोल के बनाऊँगी तो दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों होती है? ये तो मेरा डायलॉग था, बोलो बोलो। दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों होती है भैया? पता नहीं, मुझे तो इतनी गर्मी लगी है, ऐसा लग रहा है बाल कटवा लूँ। पार्लर वाली के पास चली जाओ। मैं तो नहीं जा रही पार्लर, वो जो वो वाली पार्लर वाली थी ना उसके पास चले, वो सारे बाल काट देगी तुम्हारे, फिर तुम रोती भी आना। पहले भी काट दिए थे उसने, फिर आ गए बाल बड़े कर रहे मेरे, फिर जाऊंगी फिर काट देगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीला कुमावत का, आपके सुंदरता का क्या राज है? मेरी सुंदरता का राज है आप लोग। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब भी करके जाते हैं, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और जब मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ तो मेरा फेस ग्लो करने लगता है, तो यही तो है, इस वजह से आप लोग हैं मेरी सुंदरता का राज। तो हमारी सुंदरता का राज कौन है? आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी
गौरैया का, सॉरी अगर मैंने फिर से अभी नाम जो है गलत प्रोनाउंस किया हो तो, हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर एंड हु इज़ योर फेवरेट टीचर? तो मैं खुद की फेवरेट यूट्यूबर हूँ, मतलब वो डायलॉग था ना, मैं खुद की फेवरेट हूँ तो मैं अपनी फेवरेट यूट्यूबर हूँ, और हम दोनों अपनी वीडियोज़ इतनी बार देखते हैं जब वो अपलोड हो जाती है या एडिट होने के बाद, हम इतनी बार देखते हैं क्योंकि हमें वीडियोज़ पसंद आती है अपनी, देखने के बाद हम भी बहुत हंसते हैं कि अरे ये कैसा था, और बहुत ही अच्छा लगता है जब बाद में देखो तो मज़ा आता है। और मैं जब अपनी पुरानी वीडियोज़ देखती हूँ तो इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि क्या था वो और अब क्या है। तो ऐसे ही मैं जब आगे हो जाऊंगी और फिर जो आगे की वीडियोस होंगी तो मैं उसमें बोलूंगी कि अभी की कैसी वीडियो थी ये यार, कैसे मैं एक्टिंग कर रही थी। तो ये भी, इसको भी देखने में बहुत मज़ा आता है, जो मेरी मैजिक वाली वीडियो थी उसको देख के। तो और पहले जब तहुरा रमज़ान वाली वीडियो थी, एक टाइप्स ऑफ पीपल इन रमज़ान, तो उसमें कितनी छोटी सी थी, उसको बिल्कुल एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन अब तो आप लोग देख ही सकते हैं क्या हो गई है इसकी एक्टिंग, इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। अरे एक तो तुम्हारी तारीफ, ऊपर से तुम मार रही हो। एंड हु इज योर फेवरेट टीचर? मेरे फेवरेट टीचर है मेरे पापा, क्योंकि वो मुझे पढ़ाते हैं और वैसे भी वो टीचर हैं, तो फेवरेट टीचर तो वो ही है मेरे, और मुझे भी पढ़ाते हैं वो, तो हम दोनों पढ़ते हैं। आप लोगों ने अभी बताया, आप लोगों को मैंने अभी बताया था ना कि हम लोग सब कुछ साथ साथ करते हैं, तो पढ़ते भी साथ हैं। नेक्स्ट कमेंट है स्टार टैलेंट का, इनके 5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं फर्स्ट बता रही हूँ अभी। आर यू ऑन म्यूजिकली? यस मैं म्यूजिकली पे हूँ। और तहुरा आईडी बताएगी मेरी? इनकी आईडी है samrinali142, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू फाइट विद योर सिस्टर? मैं जबीन, यस 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 यस, ऑब्वियस है, फाइट तो होती है। यस बहुत खतरनाक होती है। होती है हाँ। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज डू अ हॉरर चैलेंज नेक्स्ट टाइम? हॉरर चैलेंज? हॉरर चैलेंज इसमें क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वैसे मुझे नहीं पता हॉरर चैलेंज में क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम हाउ मैनी ईयर्स आर यू ऑन यूट्यूब? मुझे 2 ईयर्स हो गए यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे 2 ईयर्स से हूँ, और आप लोगों को मैं 2 ईयर्स से दिख रही हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर इज योर स्कूल? न्यू दिल्ली में ही है, लेकिन मैं आपको स्कूल का नाम नहीं बता सकती, सॉरी। और इन विच ग्रेड आर यू? मैं हूँ 9th में। मैं हूँ 10th में, सॉरी यार मैं 3rd पे हूँ। थैंक्स फॉर आंसरिंग, आई लव योर न्यू डीपी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेला पंतोशी का, इन्होंने लिखा है, हु इज योर बेस्टी? मेरी बेस्टी है तहुरा, मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर, हम सब बेस्टी बेस्टी हैं। ये तहुरा तुम्हारी बेस्टी कौन है? इतना भी नहीं दिखाओ प्यार। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? ड्रीम जॉब तो मतलब ये है कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो, मैं ये चाहती थी, और यूट्यूब चैनल हो, और मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ, मैं एक्टिंग करूँ, और ऐसी लाइफ हो मतलब एक्टिंग वाली। और वैसे ड्रीम जॉब ये है कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, तो यही है ड्रीम जॉब। अब देखते हैं जॉब, ड्रीम जॉब ये पूरी होती है या नहीं। तो तहुरा तुम बताओ तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है? मैं बड़े होकर मिलना चाहती हूँ एयर होस्टेस। तो मेरी ड्रीम जॉब है मुझे एक्ट्रेस बनना है, और तहुरा की ड्रीम जॉब है कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती है। और एयर होस्टेस में क्या होता है, बाल खुले। तो यार तुम खोल सकती हो वैसे भी, एयर होस्टेस बनना जरूरी नहीं है कि बाल खोलने, तो एयर होस्टेस बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ फेवरेट सीरीज? सीरीज में मेरी कुछ ऐसे फेवरेट है नहीं, लेकिन मैं समीर नैयर की वीडियो जरूर देखती हूँ। और मेरी है कयामत का दिन। आई होप यू आंसर एटलीस्ट 1 प्लीज, मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर सबदे का, उन्होंने लिखा है, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट वीडियो आफ्टर Q&A? तो वीडियो मैंने अभी शूट तो करी नहीं है, जो सैटरडे को आएगी Q&A के बाद, लेकिन जो होगी वो तो मज़ेदार होगी बिल्कुल। लेकिन मैं अभी आपको टाइटल नहीं बताऊंगी, अगर मैंने टाइटल बता दिया तो फिर तो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो ये तो सरप्राइज रहेगा ना। सैटरडे को दोपहर 2 बजे स्टे ट्यून्ड। ओह एक्सक्यूज मी, बेल बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामू सामिया का, लुकिंग वेरी क्यूट समरीन, थैंक यू। क्वेश्चन आर हेयर, वेन इज़ योर बर्थडे? मैंने भी बताया था 14 अगस्त। तहुरा इज़ योर ओन सिस्टर और कज़न? ये आपको पता चल गया होगा ये।
अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बताऊंगी, मैं थक गई हूँ, मैंने पहले बोल दिया था, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी। समरीन, हाउ हार्ड वर्क विल यू डू टू एंटरटेन अस? मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी क्योंकि मुझे आप लोगों को बस एंटरटेन करना है, और मैं आप लोगों को जब एंटरटेन करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वजह से मेरी वीडियो देखकर हंस रहे हैं, खुशी मिल रही है, मतलब एंटरटेन हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम दोनों बहुत हार्ड वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर सके, और जो आप लोग होते हैं, है ना, होते हैं ना आप लोग, होते हैं ना हमारी वीडियो से एंटरटेन, प्लीज बताइए कमेंट में, जरूर बताइए। वेल डन समरीन, थैंक यू। प्लीज डू स्टोरी टेलिंग चैलेंज विद तहूरा एंड मेहजमीन प्लीज। ओके, आंसर माई क्वेश्चन, मैं आपके आंसर्स दे दिए हैं, थैंक यू सामू सामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है #blasma का। समरीन अली, आपको कितने दिन लगते हैं वीडियो की एडिटिंग करने में, और कौन सा एडिटिंग ऐप है, प्लीज़ Q&A मेरे लो। एडिटिंग में जो है टाइम लगता है, एडिटिंग तो मेरी सिस्टर करती है, और उनको टाइम लगता है 13 से 14 आवर्स लग जाते हैं, और वो कंटिन्यूसली करना पड़ता है, जैसे अगर कंटिन्यूसली जो है 13 टू 14 आवर्स के लिए जो है एडिटिंग होती है, उसके बाद एडिट हो जाती है वीडियोस। और वैसे शूटिंग में मुझे टाइम लगते हैं टू डेज लग जाते हैं, कभी-कभार तो 3 डेज लग जाते हैं, जो वो बड़ी बड़ी स्टोरीज होती हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। अल्लाह हाथ हवा दे रहा है मेरा। और कौन सा एडिटिंग ऐप है, और एडिटिंग ऐप है फाइनल कट प्रो एक्स, जिससे एडिटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है YouTube की तरफ से, मतलब ये यूट्यूब उनके चैनल का नाम है जिनका भी ये। समरीन आपी, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी? कॉलेज क्या लग रहा है सबको, मैं 9th में हूँ, मैं भी स्कूल में हूँ, कॉलेज में नहीं हूँ मैं। एंड आपने कौन से क्लास से स्टार्ट की वीडियो? मैं जब 6th में थी, तो जब से मैंने फर्स्ट वीडियो शूट की थी, फिर 7th में आई, फिर 8th में, और अब मैं 9th में हूँ। और आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा मैं कॉलेज में हूँ, मैं स्कूल में हूँ अभी, और 9th में हूँ मैं। एंड प्लीज़ 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 पिक माई क्वेश्चन, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे ये सोचते होंगे मैं 25 ईयर्स की हूँ या 26 ईयर्स की हूँ, मैंने उनको कितनी बार बता दिया है, कितनी ज़्यादा बार बताया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं लगता, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती फिर इतना, मतलब कॉलेज का सोच रहे कॉलेज में तो मैं हुई नहीं, अभी तो मैं स्कूल में हूँ, तो इससे आपको पता चल सकता है मेरी एज क्या है, मैंने वैसे बता रखा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति झा का, माई क्वेश्चंस आर हाउ योर पेरेंट्स रिएक्टेड व्हेन दे सॉ दैट यू हैव 374K सब्सक्राइबर्स। अभी 374K तो हुए नहीं, 360K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और रिएक्ट कैसा करेंगे, रिएक्ट तो अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा, मतलब देख कर तो खुशी होती है, और जैसा मैंने रिएक्ट किया कि अरे वाह इतने अच्छे सब्सक्राइब, नहीं हमारे 360 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मिलियन सब्सक्राइबर्स तो दूर है ही नहीं, अब 360 के प्लस हो गए हैं सब्सक्राइबर्स, तो इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 लाख, 5 लाख, 6, 7, 8, 9 और फिर मिलियन। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप यू यूज टू एडिट योर वीडियोज़? मैंने अभी बता दिया फाइनल कट प्रो एक्स, दैट्स इट, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन बिकॉज आई एम कमेंटिंग फ्रॉम लास्ट सवाल जवाब वीडियो, प्लीज़ #samsquad। मैंने आपके जवाब दे दिए हैं सवालों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखत परवीन का, वट हैव यू ऑलवेज वॉन्टेड, डिड यू एवर गेट इट? तो जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि 360K प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, हो सकते हैं मेरी वीडियोज़ कोई पसंद करेगा, कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब पता चला कि 360K प्लस सब्सक्राइबर्स है जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, तो ये ही मुझे चाहिए था, और जो मिल गया। जब भी हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, आप तहूरा हो, आप समरीन हो, आप तहूरा हो, समरीन हो, हम कहते हैं हाँ 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 थैंक यू, हम बोलते रहते हैं सबको। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ मुझे मेरी तबीयत ठीक हो गई, वहाँ जाने से मैं गई, तो वहाँ एक आंटी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटियाँ आपकी वीडियोस देखती हैं, मैंने कहा अरे यार डॉक्टर के पास मुझे पहचान लिया, आप तो समरीन हो ना, मैंने कहा हाँ, फिर उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाई, और फिर वो उन्होंने कहा कि मेरी बेटियाँ बहुत खुश हो जाएंगी कि मेरा फ़ोटो आपके साथ है, मैंने कहा नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। अभी हम दोनों शॉप पे गए थे, वहाँ एक गर्ल थी, उन्होंने बोला कि आप समरीन हो ना, मैंने कहा हाँ, अरे ये तो तहूरा है मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मेरी छोटी बहन भी वो भी देखती है, और फिर कहा कि तहूरा अरे हेलो तो वो भी मिल गई, फिर हम चले गए घर पे, फिर हम वापस गए,
फिर हम सामान भूल गए थे तो फिर हम वापस गए, फिर वहाँ से आ रहे थे सामान खरीदने थे, फिर एक और सब्सक्राइबर्स। हमें इतना मजा आता है हम जहाँ भी जाए सब्सक्राइबर्स हमारे मिले। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ बाहर, अगर मैं कहीं पे भी गई जैसे फ्रेंड्स के साथ गई हुई हूँ तो वहाँ भी कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मिलकर। और लेकिन अगर आप लोग कभी मिले, जैसे अगर मुझे देख लिया तो प्लीज़ आप लोग आया करिए पास में और बात करा करिए, बिल्कुल वो मत हुआ करिए। मैं समरीन ही हूँ, कोई कन्फ्यूज हो जाता है कि समरीन है ये या नहीं है, क्योंकि मैं समरीन हूँ तो मैं समरीन ही हूँ। अगर आपने मुझे देख लिया कि हाँ ये तो समरीन जैसी लगी तो वो समरीन ही होगी, इसलिए आप आ जाया करिए पास में और हाय और मुझसे बात भी कर लिया करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षी बिश्नोई का, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी रेंडमली घूम रहे हो और आपका सब्सक्राइबर देख के पागल हो जाए? तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं हमें, आपका फेवरेट यूट्यूबर भी बता दिया मैंने, मैं ही हूँ। यहीं पर ख़त्म होता है हमारा Q&A। बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैं सबके जवाब नहीं दे पाई, लेकिन फिर मैंने Q&A तो करती रहूँगी। तो अभी वाला Q&A था तो अभी मैंने सवालों के जवाब दे दिए जो सबसे ज़्यादा आए थे, तो मैंने उनके जवाब दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जब भी हमारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस वीडियो पर मैं एम करती हूँ 12,000 लाइक्स, तो प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि 12,000 का एम पूरा हो जाए। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब हम दोनों मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।